आगे डर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो आज हमारा कॉकटेल्स डे टू है, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा हमारे कॉकटेल्स पहले से कितने ज़्यादा फ्रेश हो चुके हैं और वो अपने पिंजरे में बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ और फिर इनका दाना भी चेंज करते हैं और इनको हैंड टेम करने की भी कोशिश करेंगे। अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो इसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा बीज खा लेते हैं और उसको बाकी सारे दाने को ज़ाया कर देते हैं, लेकिन हम इसको ज़ाया नहीं करेंगे। हम इसको साफ़ करके अपनी छत पर डाल देंगे, जो और परिंदे होंगे वो भी इनको खाएंगे और हमें स्वाद भी मिलेगा। तो हमने इनको साफ़ कर लिया है, दाने को तो हमने साफ़ कर लिया है। तो हमारे जो बेबी कॉकटेल है ना, जिसकी वजह से ज़्यादा दाना खाते भी नहीं है, ज़्यादा दाना ज़ाया भी नहीं करते हैं। तो जब जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे दाना ज़्यादा भी खाएंगे, साथ साथ ज़ाया भी नहीं होगा और ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे। तो अभी हम लोग अमान भाई को बुलाते हैं, अमान भाई जल्दी से आते हैं, फिर हम दाना डालते हैं इसमें और थोड़ा दाना निकाल के फिर और थोड़ा दाना ऐड कर देंगे। अमान भाई दाना लेकर आओ। इतना काफी ना भाई ने इनके लिए। मान भाई जल्दी से आप इनमें पानी भर के दें। उसमें देखें कल का पानी पड़ा हुआ, लेकिन हम इसको गिरा के नया पानी डाल देंगे। किधर घुस गया, नीचे नहीं निकल ही नहीं रहा है। तो ये लगाओ आप इधर से, इसको निकाल दो। इसको मैं चेंज करता हूँ अभी। हो गया, मैंने मान भी इसको गिरा के नया पानी भर दो। इनको बाहर निकाल के बाद पहले इनकी ट्रे साफ करते हैं। हाँ, इसके ट्रे भी साफ करनी होगी। ट्रे जो है ना, इसकी रोजाना साफ होनी चाहिए। नीचे से ट्रे निकलेगी, अमान निकालेगा, अमान को शौक नहीं। हाँ, क्यों, क्या हुआ? आप निकालो, चलो अमीर फिर आप निकालो। पता नहीं पाँव अपना पकड़ लेते हैं पीछे से। ये देखिए यहाँ पे बैठा देते हैं और इसको भी पकड़ते हैं, उसके साथ बिठा देते हैं। चलो जी, आप खुश हो जाएंगे, थोड़ी देर के लिए बाहर निकले हैं, आजादी मिली है इनको। सुबह तो काफी बोल रहे थे ये। चलो इनकी ट्रे निकालते हैं फिर अब। हाँ, इसकी ट्रे निकालते हैं। ये जो इसके अंदर दाना पड़ा हुआ है इसको साइड पे निकाल लें, ताकि ये जो है इसको आप छत पे डाल लें, ताकि ये वेस्ट होने के बजाय दूसरे जानवर जो है वो, दूसरे परिंदे जो है वो खा सके। मान भाई साइड पे वहां से पकड़ो। ऐसे करो अमान, इसको छत के ऊपर ना, ये जो दाना है ना, इसको छत के ऊपर डालो बेटा। छत के ऊपर, चलो छत पे डाल के पहले। तब तक भाई इनको हैंड टीम करने की कोशिश करें। हां, करीब करीब जाते हैं और बहुत से दूर दूर जाई जा रहे हैं। वन बाय वन कर जो आपको रिस्पांस दे। अच्छा, ओए काट के रिस्पांस अच्छा दे रहे हैं। वो डर गया है ना, बोल रहा है आगे ले, नीचे जाई जा रहा है, उसको आवाज मार रहा है। हां, बोलना शुरू हो गया। ये ओके, उड़ता भी है। पकड़े इनको। हां पकड़ो। इसने अच्छा रिस्पांस दिया। कामयाब हो गए हैं। इसके दोस्त को तो पकड़े हैं। आगे डर। फंस गया। और इसकी जान है। वो लगा दिया, जंप लगा दिया, भी जंप लगा दिया। उनके मैं, उनके पंजे मेरे शर्ट में फंस गए थे। उड़ने की कोशिश में पूरा है।
चले बहन ट्रे को वॉश करते हैं। इसको धोते हैं। ऐसे काम ऐसे वाला किससे करवाने चाहिए? अजान से। अजान नहीं आए नजर आ रहा, कहां अजान को वास है, उसे बोलो को भाई अजान भाई आ जाए, को आके ट्रे तो धो ना जरा आके। आज अजान नहीं नजर आ रहा, भाग गया। कहां चला गया वो? नहीं बुलाओ से वास्ते तो क्या कहता है वो? अजान इसकी ट्रे को जो है वो रोजाना साफ करना चाहिए ताकि बाद में कोई जम्स वगैरह ना। अजान अजान आप इसकी ट्रे को वॉश करोगे? चलो अजान भी वॉश करो। नहीं अजान का तो मैं नहीं वॉश करना, ये अमीन का ही काम है, अमीन ही जो है वो इनकी सेवा कर सकता है। अजान इसको उठाओगे? नहीं आप शौक तो बहुत है। एक के तो पर बहुत ज्यादा आए हुए हैं, एक के पर बहुत ज्यादा आए हुए हैं, वो ज्यादा उड़ता है। ज्यादा आए हैं, एक के पर जो है वो कम है। बड़े भी ज्यादा है। बड़े भी ज्यादा है। छोटे भी ज्यादा है। बड़े भी ऊपर वाले भी आ गए, छोटे भी आ गए। वो क्या कर रही है? उसमें हमारी तरफ जो है ना वो मुंह नहीं कर रहे, वो केस नहीं कर रहे। भाई नाराज हो बिट्टू, तभी कोई जरा सीम वगैरह ना देते, नीचे से भी तो चले मान भाई। चलो मान भाई अब इसके अंदर तो यहीं भी रख देते हैं। अच्छा मिठू को आवाज दो अब। मिठू कहना मैं नहीं बोलना ताड़े नाल। मिठू नाराज तो नहीं हो गए? दाना दिखा के अपनी तरफ मूव करो जरा इनको। मुझे प्यास लगी लग रही है, इनको पानी लाके करो। हम काटने के लिए आ रहे हैं, दाना खाने नहीं आ रहे। अब इनको बच्चों को काटने का नहीं पता, उस साइड से जाओ आप लोग। भाई मेरे आने से डरी जा रहे ले मैं इधर आया, वो इधर चले गए। ले अब इनको सिखाना कोई इतना आसान काम नहीं है। ये शोल्डर बैठा लूं पहले इनको, पहले शोल्डर बैठाते हैं। भाई ने आपने दिखाया ही नहीं कि वो उसने किस तरह अंदर गया है वापस मेरे पिंजरे के अंदर। वो खुद ही जो है ना उसके अंदर चला गया। खुद ही अंदर पाया ना, कुछ कर रहा है। बाहर निकालो इन दरवाजे को। नहीं अब वो जो एक रह गया उसको थोड़ा सा एंटेन करने की आप कोशिश करो। वो ये तो अब खुद अंदर चला गया ना, इसका दिल करता होगा कि क्या होगा, कोई मुझे कहां फंसा दिया बाहर। देखते हैं पानी पीता है। पर पानी तो नहीं पी रहा है, लगता है खुद ही पिएगा। खुद ही पिएंगे ना अभी, अभी वो डरते हैं। नीचे जाने की कोशिश कर रहा है ये भी, देखना हो सकता है ये भी नीचे चला जाए। अब भाई इसको उठाएं फिर नए शोल्डर पे। इसको कोशिश करो कि बैठ जाए। मिठू ले आगे चले जाते, जगह के हाथ करता फिर पीछे आ जाता। मिठू पकड़ लिया फिर उसने पांव से जाली को, जल्दी पकड़ लेता है। वो पकड़ लेता है, सेफ साइड करता है ना। आगे से हैंड करता फिर पीछे वापस आ जाता है। इशारा से पकड़ो। डरते भी हो? हाँ डर लगता ही है। अब इसको प्यार से उठा लो, प्यार से आहिस्ता आहिस्ता कर। अंदर भी तो छोड़ना ही है इसको, लेकिन गिर से मजबूत है, पकड़ लेता है सब साथ ही। वो जल्दी पकड़ लेता है, ज्यादा नीचे जा, नीचे जाके जल्दी पकड़ लूंगा इसको, लेकिन जा नहीं रहा है। इसको लगता है प्यास लग रही है। नहीं प्यास नहीं लगी, वो कह रहा है मेरा एक साथी तो अंदर है, वो सुकून से बैठा खा रहा है। मैं बाहर पे जा रहा हूं। नीचे को देखता है लेकिन जाता नहीं है, कोशिश करता हूं कि नीचे चल जाए। वो देखो सुकून से बैठा जो है वो खा रहा है, उसको नहीं कोई भी परवाह। वो भी देख रहा है मैं खेला कर क्या रहा हूं।
अश्विन साहब आपसे ये इतना सा ये पकड़ा नहीं गया अभी तक भाई, वो छोड़ ही रहने जिसमें करो रखो ना, थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता आराम से खुद ही छोड़ देगा, बल्कि वो अपनी चुंजी से पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ले एक चीज छोड़ता है दूसरी चीज से पकड़ लेता है, पकड़ लेगा वो, एक उंगली भी काट दिया। प्यार से पकड़ो उसको, प्यार से। हाँ बस हो गया हमारा मामला हल, अब पकड़ा जाएगा गारंटी। अब नहीं काटेगा, मेरे हाथ में पीछे से पकड़ा हुआ है। इसने काट दिया एंड पे। किसको? मैं इतनी जोर से नहीं काट रहा है। ये काटती बस काटता नहीं, बस अपनी सेफ साइड करते हैं ना। चले अब इसको बंद करते हैं। मान भाई इसकी चाबी किधर गई? इसकी चाबी अजान के पास है। तो जी आज के लिए इतना ही काफी है ये इसका, दोबारा इसको डे बाय डे बताएंगे इंशाल्लाह आपको, पर इनका बताएंगे डे बाय डे ये माशाल्लाह कितने बड़े होते हैं। और पहले से तो ये काफ़ी एक्टिव हैं, ईजी भी हैं, इन्होंने खुद जो है वो अपना खाना भी खाया है, पानी भी पिया है, और अपने घर में ये खुश भी हैं। क्यों भी मिठू बोल के दिखाओ ज़रा। तो इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हम कोशिश पूरी करेंगे कि हम इनका डे बाय डे आपको सारा कुछ दिखा सकें, किस तरह ये बच्चों से बड़े होंगे फिर आप, हम आपको सारा सारा इनका दिखाएंगे। आप अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।